सब अपनी चिंता व्यथा शोक ले आपके पास आते हैं, आप इन्हें धीरज बांधते थकते नहीं। यदि तुमने पूर्ण हृदय से स्वयं से प्रेम किया है तो तुम किसी को दुखी नहीं देख सकोगे। बुद्ध बहुत से ज्ञानी देखे पर आपसा कोई ना देखा। आजाद शत्रु, चाहे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, उन्हें चाहे जितना भी कंठस्थ करो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो सोचना कुछ नहीं हुआ। तुम भी किसी दुविधा में दिख रहे हो आजाद शत्रु। बुद्ध, आप तो मन की बात पढ़ लेते, मगध के कुलगुरु ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी सहायता मगध के लिए आवश्यक है, परंतु तुम मेरे अनुयायी बने, इससे वो क्रोधित है। जी बुद्ध, हम एक मत से कार्य नहीं कर पा रहे। मगध के कुलगुरु और मगध के ब्राह्मणों के साथ मेरे संबंध में कटुता आई, ये मतभेद बढ़ते गए तो दो पातों की लड़ाई में मगध की प्रजा व्यर्थ ही पिस जाए। यदि तुम्हारे अंतर में मतभेद को मिटाने की आस्था है तो मेरे पास एक उपाय है आजाद शत्रु। कृपया बताएं। पहला, दोनों पक्ष आमने सामने बैठ सबके समक्ष ये बताएं कि विवाद क्या है। दूसरा, याद करें जब द्वंद्व उठा तो वो शुरू कहां से हुआ था, और दोनों ही पक्ष ध्यान में जा उन बातों को याद करें और फिर शांति से एक दूसरे को सुनाएं। तीसरा, हाथ नहीं मन के भाव उपजे कि इस झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। चौथा, यदि कोई भूल हुई तो सर्वप्रथम स्वयं की भूल को स्वीकार कर खुद को क्षमा करें। अपनी भूल स्वीकारने से हम दूसरों को समझने की चेष्टा में पहला पग उठाते हैं। सत्य कहा बुद्ध। पांच, जो जो भी निर्णय लिया जाए वो सर्वमाननीय हो, उसे सबके समक्ष तीन बार पढ़ा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपत्ति के लिए हाथ ना उठाए तो उसे अंतिम निर्णय समझा जाए। छह, जो सर्वमाननीय है उस पर दोनों पक्ष पूर्ण मन से चल एक दूसरे से मैत्री करें। सातवां, जब हमारे कपिलवस्तु में किसानों में झगड़ा होता है तो उनमें जो सबसे वृद्ध किसान है, जिसका सब सम्मान करते हैं आदर करते हैं, वो कहता है शत्रुता समाप्त करो, मिट्टी डालो, पुआल डालो, ये बहुत सूचक है आजाद शत्रु। मिट्टी डालने से अग्नि बुझती है, कीचड़ पर पुआल डाल उस पे चल रास्ता बनाया जा सकता है। एक दूसरे के समीप आने का कितना सुंदर उदाहरण है ये। बुद्ध, आपके ये सूत्र विश्व में शांति की क्रांति लाएंगे। जब जब धर्म का विघटन होगा, जब जब दो पक्षों के हृदय में दीवार खड़ी होगी, आपके ये वचन उस दीवार को ढहा देंगे। मैत्री और सामंजस्य विकसित होगा।